बिहार में मॉनसून के एक्टिव होने से झमाझम बारिश हो रही है। इसके साथ ही पहाड़ों पर भी भारी बारिश हो रही है, जिससे कि गंडक, बागमती और कोसी समेत प्रदेश की कई नदियां लाल निशान के ऊपर है। सीतामढ़ी, गया, सुपौल, गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं पटना के गंगा गांधी घाट पर मंगलवार को गंगा लाल निशान को पार कर गई है और इसके साथ ही कई शहरों में लोग जल जमाव की समस्या से परेशान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश की 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 7 जिलों में भारी और 20 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना है वो है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, जमुई, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। वहीं हल्की बारिश को लेकर इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि पटना, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके साथ ही मॉनसून टर्फ लाइन प्रदेश के पास से गुजर रही है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं पर तेज बारिश हो भी रही है। मंगलवार को किशनगंज में 2 साल पहले बने पुल का अप्रोच रोड नदी के पानी में समा गया। लगातार हो रही बारिश के कारण से कनकई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की ये घटना जो है सामने आई है। वहीं बताते चले कि कई जिलों से इस तरीके की खबरें आ रही है। वहीं बता दें कि सीतामढ़ी में सोमवार की शाम से लेकर मंगलवार की दोपहर तक बारिश से खेतों में पानी लग गया है। वहीं दूसरे तरफ नदियों के जलस्तर में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर बाढ़ का पानी घुस गया है और बारिश के बाद से बागमती नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर प्रशासन की ओर से नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों को भी अपनी ओर से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। पटना के गांधी घाट पर मंगलवार की देर रात 12 बजे के बाद गंगा का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है। वहीं बता दें कि दीघा घाट पर लाल निशान से महज 78 सेंटीमीटर जलस्तर नीचे है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दीघा घाट पर 113 सेंटीमीटर और गांधी घाट पर 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। सोन नदी के डिस्चार्ज में भी कमी आई है और सोमवार की दोपहर 2 बजे इंद्रपुरी बराज से सोन में 4,27,566 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मंगलवार की दोपहर 2 बजे 2,09,49 क्यूसेक हो गया और पुनपुन नदी का जलस्तर श्रीपालपुर घाट पर खतरे के निशान से नीचे है। यहां मंगलवार को जलस्तर 49.73 मीटर है और वहीं खतरे के निशान से 50.60 मीटर बताया गया है। वहीं बता दें कि गंगा को लेकर पूर्वानुमान है कि बुधवार की रात 12 बजे तक जलस्तर बढ़कर 48.76 मीटर होने की संभावना है और गुरुवार की रात 12 बजे यह बढ़कर 48.83 मीटर होने का पूर्वानुमान भी जताया गया है।